नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल इंडिया गार्डनिंग में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे पौधों के बारे में जो दिवाली पर आपको आपके घर पर लगाना ज़रूर चाहिए और आपके घर पे वो होना बहुत ज़रूरी माने जाते हैं। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप लाल रंग का कोई भी पुष्प आप चढ़ा सकते हैं। वैसे तो उन्हें ज़्यादातर कमल का फूल चढ़ाया जाता है क्योंकि उनका सिंहासन कमल का फूल है, तो इसलिए ज़्यादातर कमल का फूल उन्हें चढ़ाया जाता है। पर लेकिन आप उन्हें लाल रंग का कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं, जैसे कि गुलाब का फूल। गुलाब का पौधा आप आपके घर पर इस दिवाली पर ज़रूर लगाएं क्योंकि माता लक्ष्मी गुलाब के पौधे पर ज़्यादा प्रसन्न मानी जाती हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करती हैं और वो हमेशा के लिए आपके घर में रह जाती हैं। और साथ ही आप माता लक्ष्मी को आपके घर में निवास करवाना चाहते हैं तो आप साथ ही केले का पेड़ भी लगाएं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि केले के पेड़ में भगवान विष्णु का निवास होता है। वैसे तो हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि पेड़ पौधों में देवी देवताओं का निवास होता है, ये उन्हीं में से कुछ ऐसे पौधे हैं। तो आप दिवाली पर केले का पेड़ आपके घर पर लगा सकते हैं और ये बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए आप दिवाली पर आपके यहाँ पर केले का पेड़ लेकर आएं। ये समझें कि आप भगवान विष्णु को ही आपके घर लेके आ रहे हैं। और बरगद का पेड़ काफ़ी बड़ा होता है तो आप इस आपके घर पर नहीं लगा सकते, लेकिन आप बरगद के पेड़ की जड़ को आपके घर पर लेकर आएं। कहीं भी मिले आप वहां से इसे लेकर आएं और इसे दिवाली के दिन पूजा की सामग्री में रखें। फिर आप इसे से हल्दी से पूरा रंग दें और पूजा खत्म होने के बाद आप बरगद के पेड़ की जड़ को आपके घर पे लगे हुए किसी भी पौधे के गमले में मिट्टी से अच्छे से ढक दें क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आपके यहाँ पर ये बरगद के पेड़ की जड़ रहती है तो कोई भी बुरी शक्तियाँ आपके घर पर नहीं आती हैं और आपके घर पर किसी भी तरह की नकारात्मक शक्ति का आगमन नहीं हो सकता और आपके घर के आसपास इस तरीके की बुरी शक्तियाँ आप नहीं भटकेंगी। इसलिए आप बरगद के पेड़ की जड़ को ऐसे गमले में ढककर रख सकते हैं और साथ ही आप तुलसी का पौधा भी आपके घर पर लगाएं क्योंकि हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की भी पूजा की जाती है। और ये पौधा आपके घर पर नहीं है, खासकर दिवाली पर नहीं है, तो आप इस पौधे को तुरंत अभी लेकर आएं और आप इस पौधे को आपके घर पर लगाएं। और आप तुलसी के साथ केले का पौधा रखेंगे तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है और ऐसा करने पे आपको को इसका असर नजर आ जाएगा। तो आप इस दिवाली आपके घर पर ये पौधे ज़रूर लेकर आएं और आप इन्हें अच्छे से आपके घर पर लगाएं क्योंकि ये दिवाली पर आपके घर पे ये पौधे होना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है और इन्हें शास्त्रों के अनुसार शुभ माना जाता है। आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।